जय द्वारकाधीश। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? तो स्वागत है आप सभी का आज मेरे इस नए व्लॉग में। फ्रेंड्स, तो सोचा चलिए आज कोई गांव वाम का नहीं, बस बैठ के थोड़ा सा आपके साथ बातें करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिएगा मेरे इस व्लॉग को और सपोर्ट करिए। देखिए यहाँ पे ना बाबू मेरा सो रहा है, तो सोचिए मैं बाबू सो रहा है तो बस थोड़ा सा मैं आपसे बात कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे ना मेरे टाइम मिलता नहीं है। मेरे बाल भी झाड़े नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि बाल झाड़ने में कितना टाइम लगता है, कि नशा नहीं है, जब तक तो सही नहीं हो तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। बाल क्या मतलब, मेरा तो ऐसा होता है कि मैं 2-3 दिन तबियत ख़राब है तो मैं आईना में अपना मतलब चेहरा भी नहीं देख पाती हूँ। ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा ही होता है, पता नहीं क्यों। फ्रेंड्स तो चलिए बस आपसे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ना ये कल रात से और आज अभी सुबह तक का जो हम लोग नाश्ता वास्ता कर रहे थे ना, इसका मैंने बस बहुत ही छोटा सा व्लॉग बनाया था। सोचा बस इसी को आपके साथ मैं शेयर करूँगी, बहुत दिनों से नहीं किया था। और अब सच बताऊँ तो पहले जैसे ना मुझे व्लॉगिंग के लिए जो ऐसा था ना व्लॉगिंग का कीड़ा, वो भी अब नहीं होता है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना यूट्यूब पर और अभी तक मेरा चैनल मतलब नहीं चलता है, उतना तो मन भी नहीं होता। और अभी जनवरी से ना ठंडी बहुत बढ़ी है तो परेशान भी रहती हूँ, तबीयत भी नहीं सही रहता है। ज्योतिका को सुबह सुबह जाना होता है तो बस वही जाती है उसी टाइम पे, हड़बड़ी में जो होता है। सो फिर उसके बाद मैं बहुत ही आराम से एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाती हूँ, तो पतिदेव ना थोड़ी सी मेरी हेल्प करते हैं और उनको काम करते हुए वीडियो में मैंने ना फर्स्ट टाइम ही दिखाया है। तो ससुराल वाले देखते हैं ना तो वो ये मानते हैं कि हाँ ये काम ही करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और मेरे ब्लॉग ना कोई देखता भी नहीं है, मेरे ससुराल वाले कोई भी नहीं, क्योंकि आज तक मुझे ना ससुराल से ना कोई अच्छा कमेंट मिला है ब्लॉगिंग के बारे में और ना ही कोई बुरा। तो कुछ नहीं, नहीं फ़र्क पड़ता है। तो ज्योतिका के पापा ना अक्सर ऐसा कुछ मतलब करते भी नहीं है। मुझे आलू पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने उनसे बहुत बार बोलती हूँ तो बोलते मुझे नहीं आता है, तो मैं खुद ही हिम्मत करके बनाती हूँ। लेकिन कल ना मुझे बहुत मन कर रहा था और नहीं हो रहा था, तो मैंने ज़बरदस्ती उनसे करवाया था कि नहीं आप इतना करिए ही करिए। सो तो देखिए अभी मेरा हुलिया बाल बाल भी मैंने नहीं झाड़े हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ना तैयार होने का भी ज़्यादा शौक नहीं रहता है जब तबीयत ख़राब होती है ना। तो मेरे व्लॉग बिल्कुल सिंपल नॉर्मल होते हैं, इसलिए शायद नहीं चलते हैं लोगों को, पता नहीं क्यों ऐसा सीधा साधा सिंपल नहीं पसंद है। अक्सर मैं देखती हूँ जिनके है होता है थोड़ा सा, मुझे नहीं अच्छा लगता है वैसे व्लॉग डालना, इसलिए मैं अपना सिंपल ही डालती हूँ। तो फ्रेंड्स, आजकल ठंडी ना बहुत बढ़ गई और आप लोग भी अपना तबीयत का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग ना लास्ट दिसंबर तक तो अच्छा खासा पार्क में जाते थे डेली, बच्चे भी जाते थे, सारा अपना महिला मंडल भी जाता था और घूमते हुए शाम में थोड़ा सा वॉक हो जाता था तो अच्छा लगता था आधा एक घंटा। लेकिन फिलहाल सब कुछ बंद है, क्योंकि मतलब सबके बच्चों को सुनो ना कॉलोनी में तो किसी ना किसी को मतलब परेशानी है, सर्दी बुखार यही सब चल रहा है बस अभी फ़िलहाल, तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और मैं ना ज़्यादा बोलती हूँ ना तो भी मुझे बहुत सांस चढ़ जाती है। फ्रेंड्स प्लीज़ हो सके तो मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि हर किसी की इच्छा होती है, तो मेरी भी मतलब बहुत इच्छा थी कि मैं कुछ करूँ करूँ करूँ, और इसी के चक्कर में ना मैंने ब्लॉगिंग शुरू की थी। मुझे लगा था कि मैं सक्सेस हो जाऊँगी, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है। और मतलब सबसे ज़्यादा मेरी ये गलती मैंने जो की थी, गलती कि मैंने अपनी फैमिली में सबको बता दिया कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। तो मुझे ऐसा ही लगता है अपने अनुभव से कि अगर आप व्लॉग चैनल स्टार्ट करनी है यूट्यूब पे तो किसी को नहीं बताइए, बस व्लॉग बनाइए और अपने व्लॉग डालिए, सक्सेस होना होगा तो होगा, लेकिन मैं मतलब फैमिली में किसी को नहीं बताना, ये मेरा एक्सपीरियंस है। झूठ मूठ का रायता ही फैलता है और कुछ नहीं होता है, कोई सपोर्ट नहीं करता है, तो मेरी फैमिली से मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है, बस भगवान भरोसे है मेरी चैनल देखती हूँ कब सक्सेस हो जाए। तो मेरा इसीलिए ज़्यादा मन नहीं करता है, क्योंकि मुझे लगता है कि होना होगा तो हो जाएगा। मेरी चैनल पर ना बहुत सारे व्लॉग डले हुए हैं तो बस, लेकिन मुझे उम्मीद है काश जल्दी मेरा 2000 चैनल में, ये 2024 में ना मेरा चैनल सक्सेस हो जाए। फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए। प्लीज़ अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स प्लीज़। तो मुझे लगता है लोग काइंड कर देती हूँ, क्योंकि फिर जब लंबा भी होगा तो आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए फ्रेंड। चलिए जय द्वारकाधीश। और ठंडी में आप सभी लोग ना ना ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाती है, तबीयत ख़राब होती है। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं, बाय।